दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कंट्रीज के पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इंडियन पार्लियामेंट को बोला जाता है संसद, मालदीव के पार्लियामेंट को बोला जाता है मजलिस, ईरान के पार्लियामेंट को भी बोलते हैं, रशियन के पार्लियामेंट को बोला जाता है फेडरल असेंबली, ये जो है स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट को भी बोलते हैं, नेपाल के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल असेंबली बोलते हैं और फेडरल असेंबली बोलते हैं, जापान के पार्लियामेंट को बोला जाता है द डाइट, जर्मनी के पार्लियामेंट को बोला जाता है बंडस्टैग और बंडस्ट्रैट, ये जो है इसमें एक लोअर हाउस होता है और एक होता है अपर हाउस, नॉर्वे के पार्लियामेंट को बोला जाता है स्टॉटिंग, यूएसए के पार्लियामेंट को बोला जाता है कांग्रेस, ये जो है कोलंबिया के पार्लियामेंट को भी बोला जाता है, इराक के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेशनल असेंबली या काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये जो है साउथ कोरिया और कुवैत के पार्लियामेंट को भी बोला जाता है, मलेशिया के पार्लियामेंट को बोला जाता है दीवान रखिया तो दीवान निगारा। हमारे इंडियन पार्लियामेंट जिसे कि हम जो है लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन भी बोलते हैं, इसमें होते हैं हमारे तीन स्ट्रक्चर्स, एक होते हैं प्रेसिडेंट से बना होता है, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।